राय साहब, आप चंडीगढ़ में पीसी कवर करते थे, ये तो सारे ये तो सारे हरियाणा वाले हैं, इनसे पूछो कितनी बार कहा गया चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी तथ्य सामने लाऊंगा। अब ये तथ्य जो है हमने कराई है, मैं तो कहता हूँ लाओ सामने, कोई आरोप है तो करो साबित, हम तो आपके सामने फील्ड में हैं, धक्के खा रहे हैं, बस से लेकर ट्रैक्टर साइकिल से लेकर स्कूटर पे घूम रहे हैं कि एक एक जींद के व्यक्ति से संपर्क हो, उसको जननायक जनता पार्टी के साथ जोड़ा जाए और एक एक वोट हमारे उम्मीदवार दिग्विजय सिंह के पक्ष में। तमाम संगठनों के हैं, सरकार के भी कुछ नुमाइंदे हैं जो निरंतर यहाँ होटलों में बैठे हैं और गड़बड़ियाँ तैयार कर रहे हैं, कांग्रेस के भी कुछ ऐसे लोग हैं, अन्य दलों के भी कुछ ऐसे लोग हैं, हमारे द्वारा वो लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है और हम जल्द उसकी रिटर्न कंप्लेंट देने का काम करेंगे। अरविंद केजरीवाल आपके पारिवारिक विवाद का क्या चुनाव पे असर नहीं पड़ेगा, क्या मानते? ये लोग तो 3 महीने पहले बात करने लगे थे, क्या असर पड़ा? चौधरी देवीलाल ने हमेशा एक चीज सिखाई है, कर्म करो आगे बढ़ो, जनता का समर्थन मिलता रहेगा। हम तो संघर्ष कर रहे हैं, आगे बढ़ते रहेंगे और जनता अपना आशीर्वाद दे। हमारा भाई संस्कार वाला है, ये हर हर गली में बूथ पे जाके पूछा है, मैं ये तो पूछता हूँ वोट बैंक तो दिखा दो, वो 25,000 की थैली तो दिखा दो जो जेब में घूम रहे थे जेब में। आज ये चीज़ है कि वो 3 दिन घूमते रहे और उनको कैंडिडेट नहीं मिला, किसी निर्दलीय को पकड़ के चुनाव चिन्ह देना पड़ा। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी आज जींद राजीव त्यागी जी, उन्होंने कहा कि जींद का दीप रणदीप, वो चाइनीज दीप तो नहीं 15 दिन में बुझ जाएगा। मैं तो पहले कहा है ये लोग वो लोग हैं जो आज यहाँ आए, मगर 15 दिन बाद इनको दिल्ली चंडीगढ़ हिसार रोहतक कैथल ढूंढना पड़ेगा। आज कोई जींद का कांग्रेसी तो बताओ जो चुनावी मैदान में निर्दलीय लड़ रहे और कप प्लेट के साथ लड़ रहे, तो भी इनको डर लग रहा है? क्या इनका हाथी और चश्मा मिलकर भी हम पे भारी नहीं पड़ रहा? आज इनको ये लगता है कि इनके कैंडिडेट की जमानत जब्त होगी। मैं तो कांग्रेस के उम्मीदवार की बात सुन रहा था, वो भी इस चीज़ पे तंच कस रहे। उनसे पूछिए, राहुल गांधी की पूरी टीम आपकी यहाँ पर है, क्या राहुल गांधी को भी लाने का वो आने वाले भविष्य में काम करेंगे? मुख्यमंत्री खुद 2 दिन का दौरा करके और जिस तरह का जननायक जनता पार्टी का प्रचार चल रहा है, आने वाले भविष्य में मुझे लगता है मुख्यमंत्री को फिर 2 दिन का दौरा करना पड़ेगा, जब जाके उनके कैंडिडेट को कहीं वो मुकाबले में ला पाएंगे। आरोप ये भी लगा कि आप लोग गलत अरविंद केजरीवाल से मिलके पेरोल कैंसिल की बात। मैं अपने जीवन काल में आज तक श्री अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री दिल्ली से कभी नहीं मिला, और कोई मेरे पे आरोप लाता है वो आरोप पहले ये भी लगाता था मैं दीपेंद्र भूपेंद्र हुड्डा से मिला, वही व्यक्ति ये भी आरोप लगाता था कि मैं अनिल जैन से मिला। आपके सामने हूँ, मैंने तो जब कहा था तथ्य सामने लाई, आज भी कहता हूँ तथ्य सामने लाई। पर आप सब इतनी भारी संख्या में आए, जींद का उपचुनाव सिर पर है और इस चुनाव को टॉपिक से भटकाने के लिए अलग अलग प्रयास करे जा रहे हैं। आज जींद के मुद्दों को छोड़कर, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे गठबंधन हो, अलग अलग विषयों पर चर्चा की शुरुआत कर रही भारतीय जनता पार्टी के लोग जातिगत बंटवारे की ओर चलने का काम कर रहे हैं, जहाँ की कांग्रेस आज विजनलेस और पॉइंटलेस बातें कर रही है, और जहाँ इंडियन नेशनल लोकदल और बसपा के अलायंस की बात है, जो लोग 25,000 वोट जेब में डाल के घुमा करते थे, आज कहीं भी उनको 5,000 वोट मिलने की भी हालात नहीं दिखे। मैंने सरदार निशांत सिंह जी ने, डॉक्टर बांगड़ जी ने, रणबीर शर्मा जी ने, दिग्विजय सिंह कैंडिडेट ने, हमारी विधायिका नैना सिंह चौटाला जी ने प्रत्येक कॉलोनी प्रत्येक शहर के कोने का दौरा किया है, और आज जींद की इंफ्रास्ट्रक्चर हालत इतनी बुरी है कि ना तो यहाँ सड़कें, सिविल हॉस्पिटल की ये हालात है कि 1/3 स्टाफ के साथ
सिविल हॉस्पिटल को चलाया जा रहा है, जहां पीने के पानी की व्यवस्था है। अर्बन स्टेट जैसे पौर शहरिए के अंदर भी आज पीने के पानी की दिक्कत है, किल्लत है। सर्दी के मौसम में जब बिजली की कमी नहीं होती, सरप्लस पावर होती है, तो भी बिजली के पावर कट्स जींद की धरती में देखने को मिल रहे हैं। और हैरानी की चीज है, जिस सरकार ने 3 महीने पहले विधानसभा में बिल पारित कर आमजन के बिल हाफ करने की वादा किया था, अब तक जींद के अंदर एक भी व्यक्ति के बिल में कटौती नहीं आई। बात करी जाती है पीने के पानी की, जिन लोगों के कांग्रेस की सरकार में पीने के पानी के टैंकियां लगी थी छतों पर, बीजेपी की सरकार ने उन लोगों को भी एडिशनल बिल्स भेजने शुरू कर दिए। और जो लोग आज चुनाव में उतरे हैं विकास की बात करते हैं, चाहे वो 10 साल वाले हों चाहे ये 4.5 साल वाले हों, इनसे कोई पूछने का काम करे कि ये दुर्दशा जींद की क्यों हुई। आज HISF के जवान जो है वो कांग्रेस के प्रताड़ित है, वो दुखी। जो गैस टीचर्स हैं वो जींद की धरती पर आकर धरना दे रहे हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम का अलग धरना जींद की धरती पर चल रहा है। आज हर प्रकार से, चाहे कमेरा हो, किसान हो, मजदूर हो, पूरी तौर पर पीड़ित है, दुखी है। उस चीज से मुद्दे को भटकाकर सरकार में और विपक्ष में बैठे लोग कहीं ना कहीं हमारे पर्सनल, फैमिली और ऐसे मुद्दों पर उंगलियां उठाने का काम कर रहे हैं। वो तो बाय इलेक्शन एक्सपर्ट हैं, उनने तो गिनवाया था, मैंने इतने चुनाव जीते, मैंने ही राजनीति चलाई हरियाणा के अंदर, तो फिर क्या प्लांट कंप्लेंट वो नहीं कर सकते? आपने खुद ऑर्डर्स पड़े हैं जो दिल्ली अथॉरिटीज़ के थे, मेरे से पहले तो उनकी टीम ने आपके बीच में पब्लिक करने का काम किया था, जिस पर लिखा हुआ था कैन नॉट एड्रेस पब्लिक रैलीज। तो क्या वो कैन नॉट एड्रेस भी दुष्यंत ने लिखवाया है? अगर मैं इतना लिखवा सकता तो मैं उनकी चिंता क्यों करता? मैं मेरे पिताजी को यहाँ लाकर बिठाता, मैं उनको अपने साथ कैंपेन में रखता और मजबूती के साथ इस चुनाव को हम जीतते और आज भी जीतेंगे, ये आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये लोग ज़रूर इस तरह के हथकंडे अपनाएंगे। अभी तो बीजेपी भी शुरू करेगी, वो अलग अलग रोना शुरू करेगी, मगर हम कमजोर नहीं पड़ेंगे, हम मजबूती के साथ इस लड़ाई में। किस तरह का वक्तव्य दिया है तो वो क्या लगता है कि अपनी मर्जी से दिया है या फिर किसी से? मैं कोई टिप्पणी उनके बारे में नहीं करूंगा, मैंने पहले भी कल भी आप लोगों को लिखित तौर पे दे दिया था। मेरे घर के परिवार के सीनियर हैं, उन्हें जो कहा है उसके ऊपर मेरी टिप्पणी करना बनता है। गलत फहमियों से बड़े बड़े रिश्ते टूट जाते हैं, और अगर कोई कहता है कि ऐसा हुआ तो फिर चौधरी देवीलाल के तो चारों बेटे 4 अलग पार्टियों में थे, क्या वो रिश्ते भी टूट गए थे? अगर कोई किसी तरह की बात कहता है पहले उसके तथ्य आपको जानने चाहिए, और मेरे ख्याल से मेरे से ज़्यादा उन वीडियोस को आपने एनालाइज किया होगा कि किस प्रकार की प्रॉम्प्टेशन रही, किस प्रकार की बातें रही। जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी जब हमें सस्पेंड किया था, उस दिन से लेकर आज तक कब हमें छोड़ा है? इन्हें तो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को जब संगठन से निकाला जब भी यही बात कही थी, पर यह दर्शाता है कि आज इनको एक ही मोह है, और वो किसी तरीके से सब कुछ हड़पा जाए, सब कुछ लिया जाए। और मैं ये मानता हूँ हम उस सोच के नहीं, हमने तो झंडा भी, डंडा भी, निशान भी सब इनको त्याग कर देने का काम किया था। जींद की धरती से हमने अपने संगठन की शुरुआत करी है। रणदीप सुरजेवाला जी से पूछिए वो क्यों कैथल छोड़ के आज जींद आए। आज उनके मन में एक घबराहट तो जरूर है, चाहे वो बीजेपी का उम्मीदवार हो, चाहे वो कांग्रेस का उम्मीदवार हो, चाहे किसी और दल का उम्मीदवार हो, कि आज टक्कर में दिग्विजय। और मैं ये मानता हूँ कि वो लोग
आज इस तरह की टिप्पणी करते हैं, जो थोड़े दिन पहले तो कंडेला में खड़े होकर गोलियों की बात किया करते थे, उससे पहले कहते थे रेड़ी लूटी गई, उससे पहले कहते थे वसूली ली जाती है। आज कोई शहर का एक आदमी बताए कि 9 तारीख की रैली में कोई एक रेड़ी वाले का 1 रुपया बकाया हो। हमारे भाई ने एक एक फरली और रेड़ी वाले को कवर किया था, 1 घंटे की रिपोर्ट बनाई थी और सब कह रहे थे सारा सामान बिक गया, मगर 1 रुपये की भी किसी ने दिक्कत नहीं करी। आज शहर के किसी व्यापारी से पूछो, हमने उनसे किसी से 1 रुपये का चंदा भी लिया। हमने तो कहा था कि हमें तन और मन दो, हम इस संगठन को आगे लेकर जाएंगे, 1 रुपया 1 नोट 1 वोट के साथ चौधरी देवीलाल की नीतियों के साथ इस प्रदेश के अंदर सत्ता बनाने का काम। और 200-300 छोरों ने 6 लाख की बीड़ी इकट्ठी कर दी। आप ये मानकर चलो अब तो पूरा संगठन खड़ा हो गया, अब सोचो कितना ढोल बाजेगा और कितना पाटेगा। संसद जी, ये वाक युद्ध है, कहीं उस चरम पे तो नहीं पहुंच जाए महेंद्र सिंह को ऐसी घटना। मैं तो आपको स्पष्ट बताना चाहता हूं कि हमने आइडेंटिफाई किया है कुछ लोगों को जो आज अलग अलग डिस्ट्रिक्टों से आकर यहाँ बैठे हैं, जिनकी गतिविधियाँ निरंतर यही है कि जींद का माहौल ख़राब हो। हम पीसफुली इस चुनाव को लड़ना चाहते हैं। हमने तो प्रत्येक बूथ पर जींद के ही 10 युवा साथियों की एक टीम खड़ी करी और तमाम 158 बूथों पर है। अब जो एडिशनल 158A 158B ऐसे जो बूथ बने उसके ऊपर संगठन का निर्माण कर रहे हैं। और आपको स्पष्ट बता देते हैं कि इलेक्शन वाले दिन जननायक जनता पार्टी की ओर से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो जींद के बाहर का होगा। हमारी जींद की टीम चुनाव को लड़ने का काम करेगी। पीसफुली हम चाहते हैं कि प्रशासन का साथ मिले, पीसफुली चुनाव कंडक्ट हो, मगर इसके अंदर कई चीज़ें हमारे सामने हमारे संज्ञान में आई है। एक चीज़ सामने आई है कि इलेक्शन जो EVM मशीन है उसके ऊपर जो इलेक्शन सिंबल का साइज है, सरकार की प्लानिंग है कि उसको वेरिएट कर दिया जाए और कप प्लेट को छोटा कर दिया जाए कि वोटर को वो जल्दी दिखे ना। ये ऑब्जेक्शंस भी हम कल रिटर्निंग ऑफिसर को सबमिट करेंगे कि वो हमें पहले इलेक्शन EVM का जो पैनल पे वोट है उसको दिखाकर उसको अप्रूव कराने का काम करें। आज कुछ और घटनाएँ सामने आई हैं जहाँ कोई गुजरात की कंपनी के सदस्य आज जहाँ कोल्ड स्टोरेज है EVM की वहाँ आए हैं, वहाँ से कुछ सिलेक्टेड सीरियल नंबर की मशीन को बाहर निकाला गया। हम वो फैक्ट्स वेरीफाई करा रहे हैं, अगर उसके अंदर भी कोई धांधली सामने आती है तो ज़रूर हमें मांग करेंगे कि उन तमाम सीरियल नंबर की EVMs को सरकार तुरंत प्रभाव से रिप्लेस। जो लोग रिश्ते समाप्त करने की बात करते हैं उनको इतिहास सीखना चाहिए, जानना चाहिए। चौधरी देवीलाल ने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को अपने तमाम रिश्तों से भी जमीन जायदाद से भी बेदखल कर दिया था, मगर क्या वो रुके थे? हमने भी उनसे सीखा है, जनता के लिए जब काम करना है तो जनता के बीच में रहकर मजबूती से उस लड़ाई को लड़ना है। हम करते रहेंगे, पहले जींद से शुरुआत करेंगे जींद की जनता के लिए और फिर आने वाले भविष्य में हरियाणा के एक एक जन की लड़ाई लड़कर प्रदेश के अंदर परिवर्तन लाएंगे, प्रदेश के अंदर जन जन की सरकार बनाने का काम करेंगे। मैं तो आप तमाम पत्रकार छायाकार साथियों से भी निवेदन करूंगा कि जो लोग इस तरह की बातें करते हैं उन लोगों को आप लोग भी कवर करना छोड़िए। आज उनकी ये हालात है, 3 महीने से सोते हैं तो जननायक जनता पार्टी है, उठते हैं तो जननायक जनता पार्टी है। आज वो SYL तक को भूल गए, उनके पास मुद्दा ही जननायक जनता पार्टी है। तो मेरा निवेदन है कि जननायक जनता पार्टी आज हरियाणा के भविष्य की लड़ाई लड़ रही और हमें निरंतर जो लोग कमज़ोर करने का प्रयास कर रहे हैं उनकी पोल पट्टी भी हम समय आने पर खोलेंगे। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो बंद कमरे में BJP और NLD के बीच हुई, वो भी आपके सामने तथ्य रखने का काम करेंगे कि शीशे और रिश्ते दोनों बहुत खूबसूरत होते हैं। शीशे गलती से टूटते हैं और रिश्ते गलत फहमी से टूटते हैं। और आज जो परिस्थितियां जिस तरह के बयान कल दिया गया माननीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी द्वारा, मुझे लगता है
कि बहुत बड़ी गलतफहमी उनके बीच रखी गई है, डाली गई है, और हमारा तो खून का रिश्ता है, कोई मुंह से चाकर भी नहीं तोड़ सकता। मगर इस चीज़ से ना तो मैं ना दिग्विजय सिंह कमज़ोर पड़ेंगे। हमारा उद्देश्य संगठन को मजबूत करना है, हरियाणा के हित की लड़ाई लड़ना है। और हमने तो चौधरी देवीलाल से सीखा है। चौधरी देवीलाल ने अपने पिताजी के साथ लड़ाई लड़ी थी, जब मुजारों के लिए उनने अपनी पूरी जमीन दान करने का काम किया था। आज अगर कोई कहता है कि हम लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हम लड़ाई लड़ रहे हैं हरियाणा के अधिकारों के लिए, युवाओं के रोजगारों के लिए। अगर कोई कहता है कि हमें कमज़ोर कर वो आगे बढ़ जाएंगे, तो हमारे साथ बुजुर्गों का आशीर्वाद है, माताओं बहनों का प्यार है, युवाओं का जोश है। और हरियाणा के परिवर्तन के लिए जननायक जनता पार्टी और तमाम संगठन जो आज हमारे साथ जुड़े हैं, वो तत्पर रहेंगे, मजबूती के साथ इस चुनाव को लड़ेंगे। और चुनाव को लड़कर ये पहली जीत ही नहीं, एक ऐसी नींव रखेंगे जो 2019 के अंदर जननायक जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार बनाने का काम करेंगे। दो दो तीन तीन मिनट के गैप में इशू हो, इंटरव्यू हो, पत्र आए, बाइट्स आए, बाइट्स को प्रॉम्प्ट किया जा रहा है, मुझे लगता है कि आज कुछ लोगों का राजनीतिक स्तर पूरी तौर पर गिर चुका है, और वो अपने आप को, अपने संगठन को तो संभाल नहीं पा रहे, मगर दूसरों को रोकने के प्रयास में बहुत तेज आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। और अगर ऐसी हालात लगी कि जननायक जनता पार्टी का उम्मीदवार बहुत बड़े मार्जिन से जीत रहा है, तो ये भी हैरानी आप सबको भी नहीं होगी कि वो सरेआम बीजेपी का भी समर्थन करने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए मेरा सबसे निवेदन है कि आज अगर हमें कुछ आगे लेकर चलना है, तो जींद के मुद्दे हैं, जींद की उन्नति है, जींद का विकास है, और उसके लिए हम सब मिलकर काम करें। आज हमें जो मुद्दे उठाने हैं, वो जींद की गलियों से उठाने हैं। यहाँ क्यों कचरे के ढेर लगे हुए, क्यों आज वेस्ट कलेक्शन प्रॉपर नहीं होती, क्यों यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में टीचिंग स्टाफ नहीं, आज क्यों अधिकतम ऐसी कॉलोनीज है जहाँ आज की 15 मिनट की बारिश के बाद भी 6-6 इंच पानी खड़ा है। आज ये विषय हैं जो जींद की आमजन के लिए है, जिस उपचुनाव के लिए, और हम सब पूरी तौर पर समर्पित हैं जींद की उन्नति के लिए, जींद के विकास के लिए, और आने वाले समय में जींद को चंडीगढ़ जैसा शहर बनाने के लिए जननायक जनता पार्टी और तमाम संगठन जो आज हमारे साथ जुड़े हैं, वो मिलकर मजबूती से काम करने का कार्य करेंगे। शहर के आम जन को, आम जन के मन के अंदर अगर कुछ है, तो दिग्विजय सिंह है, जननायक जनता पार्टी है, और कप प्लेट है। मैं तो ये आपको विश्वास दिला देता हूँ, इस तरह कप प्लेट करते रहे तो वो दिन दूर नहीं होगा, लोग कटोरियों में चाय दोबारा पीने लग जाएंगे। दुष्यंत जी, अब ये चौटाला कंडेला में जाकर 16 साल बाद ये बोलते हैं कि हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए और हमारे उम्मीदवार को जिताने का काम करिए, तो इस पर आप क्या टिप्पणी करेंगे? देखिए, उनकी पार्टी क्या, उनके संगठन का मैटर है, उनके प्रदेश अध्यक्ष टिप्पणी करें, मैं क्यों टिप्पणी करूं? नहीं, आप वो माफी मांगने जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि हमसे गलती हो। मैं यही तो बता रहा हूँ, इस पे तो एनएलडी के या बसपा के प्रदेश अध्यक्ष टिप्पणी करें, जननायक जनता पार्टी का इससे क्या लेना देना। जीत के इलेक्शन में क्या लगता है कि बीजेपी और एनएलडी दोनों मिल गए? अभी तो नहीं मिली, मगर जिस तरह के हालात है, जिस तरह की जमानत जब्त होने के आसार है, जरूर मिल सकती है। मुकाबला किससे दुष्यंत जी? सरकार से। आज सरकार जिस तरह से मशीनरी का दुरुपयोग कर रही, हमारे साधनों पर जिन पर झंडे जननायक जनता पार्टी के, उनको इम्पाउंड करने का काम कर रही, उनके चलान काट रही। एक साथी केवल मात्र झंडा लगा के ट्रैक्टर लेके आया, उसका 5,000 रुपये का चलान काटा, ये दर्शाता है। जबकि जननायक जनता पार्टी तो चुनाव इंडिपेंडेंट लड़ रही, दिग्विजय की फोटो नहीं है, इलेक्शन सिंबल नहीं है, उसके बावजूद भी इस तरह से रोका जाता है, ये स्पष्ट है कि सरकार अपनी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है, और दुरुपयोग कर कर हमें रोकने का प्रयास कर रही है। मगर मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, आज 7 दिन बचे, जननायक जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता शांतिपूर्वक ढंग से एक एक वोटर से संपर्क करेगा, वोटों की अपील करेगा, चुनाव को जीतने का काम करेगा। और मैं आपके माध्यम से आज चुनाव ऑब्जर्वर को भी और सरकार को भी बोलना चाहता हूँ,
कि आपको माहौल को संभाल कर रखना पड़ेगा। बहुत सी ऐसी ताकतें हैं जो इस चुनाव को ख़राब कर कर हमें बदनाम करना चाहती है। हमने लिखित तौर पर कंप्लेंट तैयार करी है। हम स्वयं सुबह डिप्टी कमिश्नर से, इलेक्शन ऑब्जर्वर से और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से मिलकर उन लोगों के बारे में भी बताने का काम करेंगे जो बाहर से आकर जींद के अंदर माहौल ख़राब करने के लिए अभी से व्यवस्था बनाने का काम कर चुके हैं।